ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सावन सोमवार के पहले दिन जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने दंतेश्वरी मंदिर से कांवड़ यात्रा निकाली। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांवड़ में इंद्रावती नदी का जल भरकर झाड़ेश्वर शिवालय देवड़ा की 30 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, जिसमें शिव भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भव्य कांवड़ शोभा यात्रा जो है दंतेश्वरी मंदिर से चालू होके अपना इंद्रावती नदी में पवित्र जल भर के झाड़ेश्वर बाबा जो है यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूरी में सभी कांवड़ी सभी सनातनी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी पैदल चलते हुए अपना सनातनी का परिचय देते हुए और सनातनी को जगाने की कोशिश में ये पैदल जाएंगे, वहाँ शंकर जी को तर्पण करेंगे। ये आज पहला श्रावण सोमवार है, ये खुशी में ये उत्सव के जैसे जाए। आज सावन का पहला सोमवार है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नाते मतलब तत्वावधान में प्रतिवर्ष सावन के पहला सोमवार को कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है और हम लोग सब दंतेश्वरी मंदिर माँ दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में जमा होकर फिर भगवान महादेव घाट में जल भरकर सीधा झाड़ेश्वर मंदिर देवड़ा के लिए प्रस्थान करते हैं। इसमें शहर से निकलते हुए कई जगह पर हमारे भक्तगण का स्वागत होता है, जैसा आड़ावाल हो गया, सेमरा हो गया, अपना मार्केल धनपुंजी, हर जगह पर भव्य स्वागत होता है। उसके बाद झाड़ेश्वर मंदिर में दर्शन के उपरांत जल चढ़ाकर समापन किया जाता है, उसमें भंडारा का भी आयोजन है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।